नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कोकोपीट हमें क्यों यूज करना चाहिए अपने टेरेस गार्डन में, गार्डन सॉइल के साथ क्या फ़ायदे हैं इसके। हम कोकोपीट की कुछ 8 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। इससे पहले, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोकोपीट हमें मार्केट से इस प्रकार कंप्रेस्ड साइज के ब्लॉक में मिलता है। ब्लॉक का साइज छोटे से लेके बड़ा तक होता है। ये मेरा 5 kg का ब्लॉक है। आपको हाफ एंड आधा kg, 1 kg या जैसी भी साइज लेना चाहें मिल सकता है। तो इस कोकोपीट का एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस साइज़ का कोकोपीट होता है वो अपने 5 times एक्सपेंड होता है। अगर मेरा 5 kg का ब्लॉक है और अगर मैं इसे 20 लीटर पानी में मिलाता हूँ तो ये एक्सपेंड होके कुछ इस प्रकार 25 kg का एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये कोकोपीट यूज कैसे करते हैं, इसका एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई बात कोकोपीट को कैसे यूज करना है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, कोकोपीट की पोरोसिटी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और हमारे पौधों को, रूट्स को ग्रोथ करने के लिए पोरोसिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जब हम कोकोपीट को मिट्टी में मिलाते हैं तो कोकोपीट हमारी मिट्टी की पोरोसिटी बढ़ा देता है, उससे हमारी रूट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। फिर दोस्तों, दूसरा फ़ायदा जो करें, कोकोपीट बहुत लाइट वेट होता है। ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर इतनी मिट्टी हम उठाएं तो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो दूसरा, कोकोपीट को यूज करने से हमारे टेरेस पे, हमारे छत पे, बालकनी में जो एक्स्ट्रा वेट पड़ रहा होता है मिट्टी की वजह से, वो कम हो जाता है। अगर हम इसे 50% गार्डन सॉइल में मिक्स करके यूज करें तो वेट काफ़ी कम हो जाता है। फिर दोस्तों, तीसरी जो प्रॉपर्टी है कोकोपीट की, कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम किसी कारणवश, व्यस्तता की वजह से, अगर एक टाइम हम अपने पौधों में पानी नहीं भी डालते हैं तो हमारे पौधे ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि कोकोपीट मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखता है। दोस्तों, सवाल आता है कि अगर कोकोपीट वाटर होल्ड करता है तो हमारे रूट्स फंगस लग जाएंगे, ख़राब होंगे, रूट रॉट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कोकोपीट में लिग्निन नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हमारे रूट्स को फंगस लगने से बचाता है, या फिर आप कह लीजिए लिग्निन एक एंटी फंगस का काम, फंगिसाइड पाउडर का काम करता है। तो इसकी वजह से हमारे पौधे रूट्स ख़राब नहीं होते। दोस्तों, कोकोपीट काफ़ी एयरी होता है, तो इसकी वजह से कोकोपीट मिट्टी में मिलाने से उसमें एयर का सर्कुलेशन बना रहता है, और पौधों को एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनकी रूट्स को, उससे वो अच्छी ग्रोथ लेते हैं। ये हो गए 4 फायदे दोस्तों। उसके बाद हम कोकोपीट की मल्चिंग भी कर सकते हैं अपने ग्रो बैग में। मल्चिंग करने से हमारी जो ऊपर की मिट्टी होती है वो जल्दी सूखती नहीं है, तो पौधे ख़राब नहीं होते। फिर दोस्तों, कोकोपीट को हम सीडलिंग मिक्स के लिए, सीडलिंग्स लगाने के लिए सबसे बेस्ट मीडिया माना जाता है। कोकोपीट और काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके हम जब सीडलिंग्स लगाते हैं तो हमारे सीडलिंग्स को जर्मिनेट होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। हमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सर में 99% की जर्मिनेशन मिलती है। आप देख सकते हैं, ये मेरा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सर है। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये तो इसमें जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा मिलता है। तो सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए कोकोपीट का यूज करना बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा हमें कोकोपीट को हाइड्रोपोनिकली यूज करने के लिए भी कोकोपीट बेस्ट मीडिया है, जिसे कि हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैंने अपने सीडलिंग्स को छोटे पॉट्स में ट्रांसफ़र किया था, इसका वीडियो मैंने आपसे साझा किया हुआ था। इसमें मैंने 50% गार्डन सॉयल, 25% कोकोपीट और 25% वर्मी कंपोस्ट मिला के मैंने ट्रांसफ़र किया। चूँकि मेरे पॉट्स अभी खाली नहीं है, इसलिए मैंने इन छोटे पॉट्स में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है, इस तरह की गमलों से निकाल के, ताकि ये ख़राब ना हो और मैं इन्हें थोड़े बड़े हो जाने पे पॉट्स में ट्रांसफ़र करूँगा। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर हम कोकोपीट यूज करते हैं अपने टेरेस गार्डन में, बालकनी गार्डन में या किचन गार्डन में, तो हमें एक इस तरह के कुछ
लाभ होते हैं जिससे हम अपनी गार्डनिंग को मैनेज कर लें और पौधों को अच्छी ग्रोथ दे सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हम आगे ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।